नमस्कार दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान कई बार मालिश करने की सलाह दी जाती है और कुछ लोग मालिश ना करने के बारे में भी बताते हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपकी सारी आशंकाएं और समाधान अवश्य हो जाएगा। आज हम बात करेंगे गर्भावस्था के दौरान मालिश करने का सही तरीका क्या हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के शरीर में कई प्रकार के बदलाव देखने में आते हैं, जिसकी वजह से उन्हें थकावट, सूजन इत्यादि की समस्या हो जाती है। अगर गर्भवती स्त्री मालिश करवाती है तो खून का संचार बढ़ता है और पैरों की सूजन में कमी आती है। मालिश कराने से तनाव भी कम होता है, यह प्रसव में भी सहायक माना जाता है। अगर मालिश सही तरीके से की जाए तो हानि रहित रहती है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। बात करते हैं मालिश करने का सही तरीका क्या है। किसी भी गर्भवती स्त्री को मालिश नीचे से शुरू करके ऊपर की ओर जानी चाहिए। गर्भवती की मालिश करते समय उसके शरीर पर धीरे धीरे दबाव डालना चाहिए। मालिश करने वाले को पहले अपने हाथों को गर्म कर लेना चाहिए, क्योंकि गर्म हाथ ठंडे हाथों की तुलना में अधिक नरम होते हैं। मालिश करने वाले का भी स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, वह बीमार नहीं होना चाहिए। मालिश करवाते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर मौसम ठंडा है तो गर्म स्थानों पर मालिश कराएं, और यदि मौसम गर्म है तो मालिश ठंडे स्थान पर होनी चाहिए। अगर कोई महिला प्रेगनेंसी के दौरान कमजोर है तो उसकी मालिश 30 मिनट से ज्यादा नहीं करनी चाहिए। अगर महिला स्वस्थ है तो आप उसकी मालिश 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक कर सकते हैं। मालिश कराने से तनाव भी कम होता है, यह प्रसव में भी सहायक माना जाता है। अगर मालिश सही तरीके से की जाए तो हानि रहित रहती है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। बात करते हैं मालिश करने का सही तरीका क्या है। किसी भी गर्भवती स्त्री को मालिश नीचे से शुरू करके ऊपर की ओर जानी चाहिए। गर्भवती की मालिश करते समय उसके शरीर पर धीरे धीरे दबाव डालना चाहिए। मालिश करने वाले को पहले अपने हाथों को गर्म कर लेना चाहिए, क्योंकि गर्म हाथ ठंडे हाथों की तुलना में अधिक नरम होते हैं। मालिश करने वाले का भी स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, वह बीमार नहीं होना चाहिए। मालिश करवाते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर मौसम ठंडा है तो गर्म स्थानों पर मालिश कराएं, और यदि मौसम गर्म है तो मालिश ठंडे स्थान पर होनी चाहिए। अगर कोई महिला प्रेगनेंसी के दौरान कमजोर है तो उसकी मालिश 30 मिनट से ज्यादा नहीं करनी चाहिए। अगर महिला स्वस्थ है तो आप उसकी मालिश 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक जरूर करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। आप बेल आइकन पर भी क्लिक जरूर करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।